आइसक्रीम खाना है, फिर जल्दी पिघल ले आइसक्रीम। मुझे गोगी के आसपास भी नहीं रहना। कितना मजा आता,
अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। देखते हैं इसमें क्या। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। अरे पर सुनो तो, पता नहीं कौन। दरवाजा खोलिए। कौन है? बच्चों ये क्या हो गया तुम सबको? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे, इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। मौसी चुटकी कहाँ है? हमने सुबह से उसे देखा नहीं। आओ भीम, चुटकी अंदर है। ओहो, क्या बात है चुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चक्कू पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं, और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो चंदा मामा की खोज में। भीम अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना, और हाँ धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर अवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढ कर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है।
लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछले 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ? अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो, इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना, मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो, हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरो? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए, सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो।
हो, दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है, चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। रसाकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रसाकसी? ठीक है, मंजूर है। और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा, हमें माफ करो उस्ताद। भीम ही हमारा उस्ताद है। ये भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। मेरी ये उम्र घटाने वाली मशीन अगर काम कर जाए तो दुनिया में तहलका मच जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हाँ, चिड़िया वापस अंडा बन गई। हाँ, लगता है मशीन काम कर रही है। डोलू बोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या
अच्छा निशाना लगाया भीम। उस्ताद आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे फटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस बस करो भीम, रुक जा। ठीक है लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू पिट्ठू लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप बिना उस्ताद ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है? नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है। इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो। पिताजी आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं ये नहीं, सफेद नहीं गुलाबी आइसक्रीम, छोटी नहीं बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है। क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत। राजू हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी। हाँ पिताजी कहाँ गए? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए शांत हो जाइए। नहीं मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए। रोबदार और
खूब संयम नियम वाले। सैनिक, ये सब क्या है? सावधान, सीधे खड़े रहो। है? ये क्या, कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को बढ़ाता है दूध। क्या आप मुझे एक ग्लास दूध दे सकती हो? हाँ जरूर बच्चों, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। हाँ, सोने के सिक्के? ये फिलहाल चलेगा है? अब खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जब पैसे हो तब आना। फट! क्या हुआ? तुम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते, उसके पैसे वापस दो। अच्छा अच्छा, ये लो। राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ी आई है, वो देखने चले। हाँ, चले 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 चले, आओ चलो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाए? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा।